अलैकुम। आज हमने सबसे पहले जो है ना वो स्टडी करनी है बामर स्पेसिस। हमारे हैंड के अंदर जो है ना डिफरेंट स्पेसिस प्रेजेंट होती हैं। कुछ हमारे फिंगर्स के पल्प के नीचे प्रेजेंट होती हैं, उसके अलावा कुछ हमारे पाम के मिड में प्रेजेंट होती हैं और कुछ हमारे फोरआर्म रीजन में प्रेजेंट होती हैं। तो टोटल तीन तरह के स्पेसिस जो हैं वो हमारे हैंड में प्रेजेंट होती हैं। एक जो स्पेसिस है वो हमारे पास जो हैंड के रीजन में यानी पामर रीजन में प्रेजेंट है उसके अंदर होती है। एक तो पल्प स्पेस ऑफ फिंगर जो यहाँ पर हमारे टर्मिनल फेलेंशियस के नीचे प्रेजेंट होती है। उसके अलावा हमारे पास होती है मिड पामर स्पेस जो यहाँ पे इस रीजन में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हमारे पास होती है डोर्सल थिनार स्पेस, सॉरी थिनार स्पेस जोन से वो हमारे पास इस रीजन में प्रेजेंट होती है, हमारे थिनार एमिनेंस के रीजन में। उसके अलावा कुछ डोर्सल स्पेसेस होती हैं। डोर्सल स्पेसेस हमारे हैंड की डोर्सल साइड पर यानी यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। डोर्सल साइड में जब स्किन के नीचे एक स्पेस प्रेजेंट होती है उसे हम कहते हैं डोर्सल सबक्यूटेनियस स्पेस, और उसके नीचे हमारे पास प्रेजेंट होती है डोर्सल सब एपोन्यूरोटिक स्पेसेस। उसके अलावा फोरआर्म जो होती है, फोरआर्म के रीजन में भी एक स्पेस, एक होलो एरिया प्रेजेंट होता है, उसे कहते हैं फोरआर्म स्पेस ऑफ पेरोना इस रीजन में। अब ऐसे ऐसे हम इन स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करते हैं, इन सारी स्पेसेस को। सबसे पहले हम पामर स्पेसेस को डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है पल्प स्पेस ऑफ फिंगर, उसके बाद हमारे पास आती है मिड पामर स्पेस यानी जो यहाँ पर लोकेटेड है, और थर्ड हमारे पास थिनार स्पेस। जो पल्प स्पेस ऑफ फिंगर है ये हमारे पास इस रीजन में यानी जो हमारे पाम जो हैंड की डिस्टल फेलेंजेस हैं इनके नीचे प्रेजेंट होती है। अगर इस डिस्टल फेलेंज को हम देखें करीब से तो ये हमारे पास एक डायग्राम है, इससे हमें क्या नज़र आ रहा है कि ये हैंड के जोन से अब एक फेलेंज, एक फिंगर को उन्होंने शो किया हुआ है। ये हमारे पास जोन से ना मिडल फेलेंज है, ये हमारे पास टर्मिनल फेलेंज है, और ये हमारे पास हैंड का ना नेल है फिंगर का। इससे हमें पता लग रहा है कि ये वाली जो साइड है ये डॉर्सल साइड है, और ये वाली जो हमारे हैंड की फिंगर की पामर साइड है। अब इस डायग्राम में इन्होंने ये शो किया हुआ है कि हमारे पास जो बोन होती है, जो टर्मिनल फेलेंज या हमारे पास जो फिंगर की सबसे लास्ट वाली फेलेंज होती है, उसकी जो पेरियोस्टियम होती है, पेरियोस्टियम बेसिकली एक मेम्ब्रेन होती है जो हमारी बोन को कवर करती है। इस पेरियोस्टियम से सेप्टा निकलते हैं, कुछ फाइबर्स निकलते हैं, वो इस बोन को अटैच करते हैं डर्मिस यानी स्किन के साथ। तो ये जो ग्रीन कलर के यहाँ पर शो किए हुए हैं ये सारे सेप्टा हैं जो बेसिकली हमारे पास पेरियोस्टियम ऑफ टर्मिनल फेलेंज या पेरियोस्टियम ऑफ बोन से निकल के जाके हमारे पास डर्मिस या ये जो स्किन है इसके साथ अटैच आ रहे हैं। जब ये सेप्टा ऐसे पास करते हैं तो ये हमारे पास जो पल्प, ये जो हमारे पास एरिया होता है हमारी फिंगर का, यहाँ पे फैट होता है और कुछ टिश्यूज़ वगैरह प्रेजेंट होते हैं, इससे डिवाइड करता है छोटे छोटे सेप्टा में। ठीक है, ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बन जाते हैं यहाँ पर, इन्हें कहते हैं पल्प स्पेसेस। अब जो हमारे पास एक आर्टरी होती है जिसे कहते हैं डिजिटल आर्टरी, डिजिटल आर्टरी बेसिकली हमारे जो फेलेंज होती है उससे सप्लाई करती है ब्लड। अब डिजिटल आर्टरी आती है, अब डिजिटल आर्टरी इस सेप्टा को यानी जो हमारे पास पेरियोस्टियम से डर्मिस तक के सेप्टा थ्रो किए गए हैं, इनसे पहले एक ब्रांच देती है जो हमारे पास प्रॉक्सिमल 1/5 ऑफ टर्मिनल फेलेंग्स को सप्लाई करती है। यानी अगर हम फिंगर को डिवाइड करें तो हमने इस तरह डिवाइड करना है कि टोटल इसे 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक इसका हम डिवाइड करते हैं डिस्टल 4/5 एरिया, और एक इसका होता है प्रॉक्सिमल 1/5 एरिया। तो जब ये डिजिटल आर्टरी आती है, डिजिटल आर्टरी आते ही सबसे पहले एक ब्रांच देती है हमारे पास प्रॉक्सिमल 1/5 एरिया ऑफ टर्मिनल फेलिंग को, ठीक है, विदाउट ट्रांसवर्सिंग सेप्टा, सेप्टा को अभी उसने क्रॉस नहीं किया। नेक्स्ट हमारे पास ये क्या करती है डिजिटल आर्टरी, ये सेप्टा जो है आगे, ये वाले जो सेप्टा है जो पेरियोस्टियम से डर्मिस तक थ्रो किए गए थे, ये उस सेप्टा को क्रॉस करती है और क्रॉस करके आगे चली जाती है। उस सेप्टा को ट्रांसफर्स करने के बाद ये आगे जाके मजीद सेप्टा को ट्रांसफर्स करते करते और साथ साथ ये हमारे जो डिजिटल 4/5 है हमारी फिंगर का टर्मिनल फेलेंज का पार्ट, उसे सप्लाई करती रहती है। अब ये हमारे पास टोटल इसकी एनाटॉमी थी जो इस डायग्राम के अंदर इन्होंने शो की हुई है। अब इसके अंदर क्या होता है कि अगर हमारे पास इन्फेक्शन हो जाए किसी एक पल्प स्पेस का, यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाए तो उसे हम कहते हैं विटलो। विटलो बेसिकली इन्फेक्शन होता है जो हमारे पास इस टर्मिनल फेलेंज का किसी भी पल्प स्पेस के अंदर इन्फेक्शन हो। अब अगर इन्फेक्शन हो गया तो हमारे पास जो ये वेसल है ये अक्लूड हो जाएगी, अक्लूड यानी वो बंद हो जाएगी, अक्लूसिव हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा कि हमारे पास ये जो एरिया है ये सारा, इसकी नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगी यानी सेल डेथ स्टार्ट हो जाएगी, ये श्रिंक करना स्टार्ट हो जाएगी, और इसके अलावा यहाँ पे बहुत ज़्यादा थ्रम्बिंग पेन स्टार्ट हो जाएगी। अब मेनली जो हमारे पास एरिया इन्वॉल्व होगा इसके अंदर वो ये वाला एरिया होगा डिस्टल 4/5 एरिया। प्रॉक्सिमल 1/5 एरिया यानी ये वाला एरिया स्पेयर रहता है, वो इसलिए रहता है कि हमारे पास इस एरिया में जो डिजिटल आर्टरी थी उसने सेप्टा को ट्रांसफर्स करने से पहले ही इस एरिया को सप्लाई कर दिया था।
ठीक है, ये हमारे पास टोटल था पामर स्पेसिस के अंदर से पल्प स्पेस ऑफ फिंगर।